किसकी बारी है क्या पढ़ाई के मामले में पिटाई? हाँ भाई मारे खाई है बहुत। ओए होए मस्त। अरे बाप बहुत बहुत मारे खाई है अम्मी से। पापा ने तो कभी नहीं हाथ लगाया, अम्मी तो टिका देती। अच्छा मार पीटी अम्मियों से? अपन मारते हाँ, लेकिन आई थिंक पता है क्या, अब मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है यार। एक अब तो कॉन्सेप्ट चेंज होगा सना, हम तो नहीं मारते। मैं तो नहीं मारती। मैंने एक बार मारा था और उसके बाद मैं खुद इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि यार मैंने क्यों मारा। तो मैं मारती नहीं हूँ, डांटती मैं बहुत हूँ यार। वो उस तरह का नहीं मारते होंगे हम जितना हमने खाई होंगी। मैंने हरकतें भी बड़ी है, हल्का 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 चांटा वांटा लग जाते हैं, अदरवाइज हम तो जूते क्या तो डंडे क्या सब मारूंगी बस ऐसे दिखा। दूर से ही होता है मेरा वाला पिटा नहीं है मगर एक सर्टेन एज तक। मेरा वाला तो आगे से कहता है व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री अम्मा, और हाँ ये कह देते हो कि नहीं बेटा मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं, मेरा बच्चा कहता है बी काइंड मम्मा बी काइंड। नो नो ही टू ऑन माय फेस सेल्स व्हाई आर यू गेटिंग। मैंने भी अपने बच्चों को नहीं मारा, लेकिन अभी माशाल्लाह वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर एक चांटा आ जाता है। नहीं मैं तो माशाल्लाह क्या ये बात समझ नहीं आती, पता है बड़े कंफ्यूजन है, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। जहाँ बात डांटने वाली है वहाँ डांटना चाहिए, जहाँ पिटाई करने वाली वहाँ कर देना। पढ़ाई के लिए तो बच्चे पिट जाते हैं ना, मगर वो भी एक सर्टेन एज तक। कि मैंने क्लास ग्रेड 5 तक उसकी पिटाई की है, उसके बाद मैंने मेरी तो हरकतें भी बुरी थी ना, मतलब उर्दू की कॉपी छुपा दी, होमवर्क ही नहीं करना छुपा दी। तो तुम तो पिटने वाली हरकतें कर रही थी। मैंने जिंदगी में बड़ी फजूल हरकतें की। मैं हर रोज जो है ना एक कोई बिल्ली का बच्चा उठा के घर ले आई, कभी कुत्ता ले आई, तो मेरी हरकतें भी फजूल थी। तो पिटाई बनती थी, पिटने वाली थी। आपको रियलाइज होता है बाद में कि हाँ यार पिटे तो सही थे। जब आप खुद अम्मा अब्बा बनते हैं तो फिर रियलाइज। और मैंने खाने की भी छोड़ दी, तो मैं लंच जो है ना वो अल्लाह माफ करे जहन्नुम में जाऊंगी वो डस्टबिन में फेंक देती थी। अम्मी मम्मी खा लिया, फिर अम्मी ने पकड़ लिया, खा लिया कैसे खा लिया बेटा। अच्छा मेरी फ्रेंड करती थी अपनी फ्रेंड से, मेरी बेस्ट फ्रेंड से, मैं कहती थी देखो मैं ये लाई हूँ तुम अपना लंच दे दो। दूसरों की चीजें क्यों? दूसरों की चीजें ना, अच्छा ये हमेशा स्कूल में आप लाइए और मैं अपना लंच दे। दूसरों का अचार की खुशबू ज्यादा अच्छी फैसिनेट कर रही है, दूसरों का पराठा ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम कह रहे हैं आपका अच्छा, हम कह रहे नहीं आपका अच्छा। इस बात का ये है कि इस बात का लबे लबाव कहते ये निकला कि मार ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, हम गोरे बच्चे नहीं पाल सकते। जैसे गोरे होते ना कुछ उनको मारना ही मना होता है, तो वो वाली पिटाई थोड़ी करती है, कत्ल ही कर रही हूँ अम्माएं, यू नो। लेकिन थोड़ा मार तो बनता है, मगर कभी कभार माएं बहुत ओवर मार देती है। कुछ माएं हैं, मेरी एक नंद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं भी वो एक चांटा आता था और बच्चे के मुंह पे छप जाता था। नहीं नहीं ऐसी नहीं, ऐसे चांटा लग जाता। कभी कभार कुछ माए जो आपकी अपना किथार फ्रस्ट्रेशन निकालती है, उनको सास और नंद पे गुस्सा आया तो वो उनको तो कुछ कह नहीं सकती। अच्छा ससुराल में जॉइंट फैमिली में सबसे ज्यादा बच्चे पे? हाँ हाँ, उसके रीजन ये है सास पे गुस्सा आया, सास पे गुस्सा आया बच्चे पे, सास को तकलीफ देने के लिए। अब मैं बच्चे नंद ने कुछ कह दिया बच्चे पे, और मियां को पता चल जाता है कि मेरी बहन ने कुछ कह दिया, अम्मा ने कुछ कह दिया, बच्चा पिट रहा, शुक्र मैंने पिट रहा। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.